बांदा में आज पोषण पखवाड़े के अंतर्गत विकास भवन सभागार में नौनिहाल बच्चों का अन्न प्राशन और जन्मदिन मनाया गया। गर्भवती महिलाओं को प्रोटीन युक्त भोजन और महिलाओं के बच्चे होने के बाद पोषण युक्त भोजन पर जोर दिया गया, जिससे कोई भी बच्चा कुपोषित न हो। इस दौरान विकास भवन सभागार में विधायक डीएम ने बड़ी ही धूमधाम के साथ महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं और बच्चों के साथ पोषण कार्यक्रम की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश में लगातार कुपोषण शिकार हो रहे बच्चों के आंकड़ों को देखते हुए अब योगी सरकार कुपोषण को लेकर के एक विशेष अभियान चला रही है, जिसमें प्रदेश में कोई भी बच्चा कुपोषण का शिकार न हो। महिला दिवस के उपलक्ष्य में 8 मार्च से 22 मार्च तक चलने वाले पोषण पखवाड़े का शुभारंभ माननीय विधायक जी के द्वारा किया गया है। इसमें विभिन्न गतिविधियां संचालित की गई हैं। पूरे प्रदेश में पहली बार जनपद बांदा में आज 300 इन्फेंटोमीटर, जो इन्फेंट बच्चों की लंबाई नापने का यंत्र होता है, उसका वितरण भी किया गया है। और यहाँ पर विभिन्न धात्री महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को सुपोषित किट भी वितरित की गई है, जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजन हैं, खाद्य पदार्थ हैं। और ये संकेतात्मक मात्र है, बाकी जो हमारा पोषाहार होता है उसका वितरण हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से किया जा रहा है। क्या कुछ उद्देश्य है जनपद में, क्या कुछ किस तरह से मोटिवेट करेंगे लोग, क्या कुछ न्याय मिला? आप जानते हैं कि पूरे प्रदेश की भांति जनपद बांदा में विवाह प्रत्येक ग्राम में हमारे आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं, जिसमें पर्याप्त मात्रा में पोषाहार वितरित किया जाता है, जिसमें वीनिंग फूड है, धात्री महिलाओं के लिए मीठा दलिया, नमकीन दलिया, लड्डू का प्रीमिक्स वगैरह वितरित किया जाता है। इस अभियान के दौरान हमारे समस्त विभाग, जिसमें ग्राम विकास विभाग हो गया, पंचायत राज विभाग हो गया है, स्वास्थ्य विभाग हो गया, बेसिक शिक्षा विभाग हो गया, इन सभी विभागों का कन्वर्जेंस के माध्यम से सभी स्कीम्स को सभी पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने का लक्ष्य है, ताकि इन स्कीम्स के कन्वर्जेंस से हम एक सुपोषित और कुपोषण मुक्त बांदा को विकसित कर सकें। आपने देखा है कि यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई है कि किस प्रकार हम साधारण उपलब्ध हमारे जो घर में घरेलू सामान होता है, अनाज होते हैं, और कोर्स ग्रेन्स जिन्हें बोलते हैं, ज्वार बाजरा इत्यादि हो गया, उनके माध्यम से हम कैसे पोषित आहार बना सकते हैं और कम लागत में, बगैर मार्केट के बहुत ज़्यादा कुछ सामान लिए, हम ये ऐसा आहार बना सकते हैं जिसमें सभी बच्चों को पोषण युक्त भोजन मिल सके। जी, आज से पोषण पखवाड़ा स्टार्ट हो रहा है, 8 मार्च से 22 मार्च तक चलेगा और ये सारे आंगनवाड़ी केंद्रों में चल रहा है, पूरे जनपद के आज से शुरुआत हो रही है। हर दिन का अलग अलग प्रोग्राम है और पर डे वहाँ से आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया जा रहा है और वहाँ से जो भी फोटोग्राफ्स और रिपोर्ट आती है तो उसको आगे भेजा जाता है। आज यहाँ पर लॉन्चिंग हो रही है पोषण पखवाड़ा की, तो ये स्टॉल लगाए गए हैं, कई स्टॉल हैं हर प्रोग्राम के। जैसे ये हमारे यहाँ प्री स्कूल एजुकेशन का है, जो 3 से 6 साल के बच्चे होते हैं उनको आंगनबाड़ी केंद्र में प्री स्कूल एजुकेशन दी जाती है, ताकि उनका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषा का विकास हो सके। इस एज के बच्चों में सीखने की ज़्यादा क्षमता होती है और न्यू होती है, क्योंकि इसलिए खेल खेल के माध्यम से प्री स्कूल एजुकेशन दी जाती है। और यहाँ पर डेमो दिखाया गया है, जो ये आगे पोषाहार के लगे हुए हैं, कि जो हमारे यहाँ पोषाहार दिया जाता है तो किस तरह से लाभार्थी अपने घर पे बना के डिफरेंट रेसिपी बना के उनको खिलाए। और यहाँ गर्भवती महिलाओं की गोद भराई भी की जानी है, एक डेमो दिखाया जा रहा है। अन्न प्राशन भी किया जाना है, जो 6 माह का बच्चा है, हरी सब्जियाँ भी रखी हुई हैं, फल रखे हुए हैं कि कैसे कुपोषण को दूर किया जाए, ऊपरी आहार कैसे खिलाया जाता है, क्या क्या खिलाना चाहिए, कम से कम 4 तरह का आहार होना चाहिए, इस तरह ये सब कुछ आज बताया जा रहा है यहाँ पर। कितनी संख्या महिलाएं पहुँची हैं यहाँ पर? महिलाएं अंदर चल रहा है प्रोग्राम मीटिंग हॉल में, तो वहाँ होंगी, अब मैं तो यहाँ पर हूँ तो लगभग होंगी 250-250 महिलाएँ तो वहाँ पर होंगी ही, अभी मैं गई नहीं हूँ, सुबह से मैं